नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हिंद किसान की चर्चा में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज हमारे साथ खास दो मेहमान हैं। हिंद किसान जो देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है उसको डे वन से कवर कर रहा है और दिल्ली की सीमाओं पर जो 6 महीने का समय बीत गया है किसानों का आंदोलन करते करते, उससे पहले ये कहानी शुरू हुई थी जब जून में ये कृषि कानूनों को सामने रखने की बात सामने आई थी और तब से हिंद किसान इसको फॉलो कर रहा है। और आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं किरण विस्सा जी, जो कि सदस्य हैं, वर्किंग ग्रुप के मेंबर हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, तेलंगाना से हैं, किसान रायतू संघ के बड़े नेता हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और हमारे साथ हैं केसाई रेड्डी जी, जो कि ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान संघ के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले किरण जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि काला दिवस की कॉल दी गई है संयुक्त किसान मोर्चा की, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति, इन दोनों ने मिलकर ये कॉल दी है और इसमें यही कहा गया है कि हमारे जो 3 कृषि कानून जिनका हम विरोध कर रहे हैं, सरकार मान नहीं रही है। हाल ही में चिट्ठी लिखी गई प्रधानमंत्री को, उसके बावजूद बात कहीं ना कहीं अनसुनी हो रही है। आपको क्या मजबूरी लगती है सरकार की कि इतने अंतराल बीत जाने के बाद भी मामला सुलझने की टेबल पर नहीं आ पा रहा है? नहीं, मुझे तो ये साफ लगता है कि सरकार या तो किसानों की बात सुने या और उनकी जो कठिनाई है उसको आगे रखते हुए वो बात सुलझाएं, या तो कॉरपोरेटों की सुने। मुझे लगता है अभी तक तो मोदी सरकार ने ये तय करके बैठे हैं कि ये जो अदानी अंबानी और जो बड़े बड़े एग्री बिजनेस हैं उनके जो प्रायोरिटीज हैं उनके हिसाब से वो जाएंगे, और अगर वो ये 3 कानून जो अगर रद्द करेंगे तो उनको लगता है कि कॉर्पोरेटों को ये संकेत जाएगा कि वो कॉर्पोरेट के पक्ष में नहीं है। तो उनका नजर पूरा इन्वेस्टमेंट देश में, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट और बहुल जाति जो कंपनी है उनके तरफ से इन्वेस्टमेंट लाना ही उसको ही वो महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, इसलिए वो किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। हालांकि हम तो ये सुन रहे हैं कि अंदर बीजेपी पार्टी में भी और सभी तरह के लोग उनको एडवाइस कर रहे हैं कि इनको वापस लेना ही बेहतर होगा, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। जी, हमारे साथ के साई रेड्डी जी हैं भारतीय किसान संघ के, इनका एक अलग पक्ष सामने आ रहा है, खासतौर से काला दिवस पर जो देश भर में ये कॉल ली गई संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, उसमें भारतीय किसान संघ का मानना है कि इससे देश को गुमराह किया जा रहा है, ये राजनीति हो रही है और वो इस काले दिवस को मनाने में सहमत नहीं है। हम उन्हीं से पूछते हैं साई रेड्डी जी, आप लोगों के भारतीय किसान संघ का क्या पक्ष है और जो किसानों की ये प्रमुख मांग है इसमें आप लोग किस तरह से इतर हैं? ये भारतीय किसान संघ किसान के लिए किसान का द्वारा चलाए से बड़ा किसान संगठन है। हम भी किसान हूँ, खेती करता हूँ अभी भी। मैं 45 ईयर से खेती ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा हूँ, जिला कार्यदर्शी से ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूँ जी। मगर ये जो इतना संगठन है, ये हमने बहुत दिन से बोला है, ये पुराना किसानों का कानून से किसान को नुकसान हो रहा है। अगर एक उत्पादन करते हैं हम बेचने के गए तो भी हम टैक्स देना पड़ता है। भारतीय किसान पहले से ही इसके विरोध में था, हमारा माल हम बेच सकते, अभी खरीदने में भी पैसा देना है, टैक्स देना है, ये हम विरोध किया है। भारतीय किसान संघ तो लाभकारी मूल्य घोषित हुआ, MSP गारंटी देना, ये कानून लाने के बाद तुरंत हम चर्चा किया देश भर में, ऑल इंडिया में। तो यानी भारतीय किसान संघ ये मानता है कि जो सबसे कानून बोलना, नहीं नहीं जी बहन जी, जी ये लोग काला कानून बोलना, काला दिवस मनाना, ये किसान को गुमराह कर रहे। कैसे? एक्चुअली ये पंजाब की सफाई से रखें, क्योंकि जो काला कानून है पूरा देश भर का किसान नहीं है, किसान इतना सोचने वाला भी नहीं है। हाँ, जो काम कर रहे हमको इतना देखिए, वो मोदी का गवर्नमेंट, वो ये कानून में ये इंडस्ट्री लोग को कैसा लाभ होता है, अनिल अंबानी रिलायंस का क्यों लो इसमें ला रहे? किरण जी, मैं चाहूंगी कि आप इसका जवाब दें।
किरण जी मालूम है उनको, किरण जी का मालूम है कि रायसेन का मालूम है, हम सब मालूम है, उन भी आंध्र का है, मगर ये किसान का पक्ष सोचना है, किसान के हित के लिए सोचना है, देश के हित के लिए सोचना है। सर मेरा सीधा सवाल इसमें, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने बोले तभी नहीं मानते ये लोग, काला कानून क्यों बना रहे? उस वास्ते भारतीय किसान संघ ने देश का हित का, किसान का हित का सोचने के लिए हम इसको विरोध किया है। मुझे चार मुख्य पॉइंट बताएं कि भारतीय किसान संघ को किन चीजों से दिक्कत है, ये कृषि कानून को लेकर उनके क्या मुख्य चार पॉइंट्स हैं, फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे संक्षिप्त में, चार मुख्य पॉइंट्स। हम बोले ना, हम तो कानून आने के बाद तुरंत लिखा है, हम देश भर से 20,000 गांव से लेटर लिखा है, 4,500 जिलों से लेटर लिखा है, हम बोला है ये 25 MSP का गारंटी होना चाहिए, हम पहला मुद्दा वही लिखा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो घोषणा करता है वो नहीं मिल रहा है देश भर में, वो मिलना चाहिए, ये कानून के अलावा है, एक्चुअली कानून में नहीं है वो, मगर वो भी गारंटी देना बोल के लिखा है। एक कानून में दो तीन सुधार हम पूछा है, एक सुधार है पैन कार्ड आधार कार्ड है तो कोई भी मार्केट में खरीद सकते, ऐसा नहीं चाहिए, एक पोर्टल बनाओ सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनका बैंक गारंटी देना है, जो खरीदना है उनका इतना खरीदता है उनका पैसा तुरंत मिलना चाहिए, ये बोला है। और कोई किसान का और जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, क्या साई रेड्डी जी लगता है कुछ कनेक्शन में दिक्कत है। किरण जी अब तक जो बातें रखी हैं सामने साई रेड्डी जी ने, मैं आपसे जवाब चाहूंगी, एक तो इनका ये कहना है कि इसको आपने काला कानून बोला, काला दिवस मना रहे हैं, ऐसा क्यों? साई रेड्डी जी पहले मैं जरा किरण मिश्रा जी से समझना चाह रही हूँ अब तक की जो आपने बातें सामने रखी है। जी किरण जी ठीक है ठीक है। नहीं नहीं पहली बात तो मैं पूछना चाहता हूँ साई रेड्डी जी से और भारतीय किसान संघ से कि जब ये ऑर्डिनेंस आए थे जून में, जुलाई अगस्त में भारतीय किसान संघ भी इसके विरोध में बोले थे, और मैं मोहिनी मोहन मिश्रा जैसे सीनियर लीडर से भी हमने संवाद किया है और उन्होंने भी कहा है, और मैं ये यूट्यूब में भी दिखा सकता हूँ कि ये कानून तो किसानों के लिए नहीं, ये कॉरपोरेटर के लिए लाए गए हैं, मोहिनी मोहन मिश्रा जी ने कहा था। एक बात, दूसरी बात साइरेडी जी मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद में आप जवाब दीजिए। तो दूसरी बात, भारतीय किसान संघ ये कहते हैं कि 2,00,000 सिग्नेचर से ये किसानों के सिग्नेचर से इन्होंने भी ये ऑर्डिनेंस के ऊपर अपने मांग रखे थे, उसमें ये साफ मुझे मेरे पास वो लेटर भी है, उसमें ये साफ कह रहे थे कि ये ऑर्डिनेंस इसी रूप में जारी नहीं होना चाहिए कानून के रूप में, क्योंकि इसमें बदलाव लाने की जरूरत है, उन्होंने 3-4 उसमें अमेंडमेंट्स भी मांगे थे जी। और दूसरी बात, जैसे साई रेड्डी जी कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का गारंटी करने का एक कानून लाने का भी उन्होंने वहां पे डिमांड किया था, 2,00,000 किसान इस पे सिग्नेचर किए थे, लेकिन बीजेपी सरकार सितंबर में जब पार्लियामेंट का सेशन हुआ उस ऑर्डिनेंस में एक भी शब्द नहीं बदला, एक भी शब्द नहीं बदलते हुए 2-3 दिन में बिना किसी एक गहरा चर्चा के, बिना उसके पार्लियामेंट की कमिटी को सौंपते हुए इन्होंने पारित कर दिया है। तो उसके ऊपर भारतीय किसान संघ का स्टैंड क्या है? आपके जो डिमांड्स हैं, जो 2,00,000 किसान सिग्नेचर करके भेजे थे उसमें एक शब्द भी उन्होंने नहीं बदला जी, ये और जो MSP गारंटी का कानून है वो भी अभी जो किसान आंदोलन है उसके सबसे बड़े डिमांड्स में है, MSP के समर्थन मूल्य के गारंटी का कानून, इसके ऊपर भी मोदी सरकार हर एक चर्चा में, अभी इतने सारे वार्ता हो चुके हैं किसान संगठन और मोदी सरकार के बीच में, हर एक वार्ता में ये बोल रहे हैं कि MSP गारंटी का कानून तो हम नहीं बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं। तो इसके ऊपर भारतीय किसान संघ का क्या पोजीशन है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारतीय किसान संघ अगर ये पोजीशन ले रहे हैं, आप किसान के पक्ष में हैं या मोदी सरकार के? ये बहुत बड़ा सवाल, आप किसान के पक्ष में हैं या कॉर्पोरेट के पक्ष में हैं, क्योंकि मोदी
जी, और उनका जो पूरा अमला है, जो कृषि मंत्री कई बार कह चुके हैं कि एमएसपी था, है और रहेगा, मगर हम सब ने देखा है कि देश में एमएसपी का क्या हाल है। अगर एमएसपी कैलकुलेटर को मैं कोट करूं तो अकेले मध्य प्रदेश में 200 करोड़ रुपए किसानों ने खोए हैं। पिछले कितने सालों में 45 लाख करोड़ रुपए की चपत लगी है किसानों को, क्योंकि उनको एमएसपी नहीं मिला है। और जब आप बोल रहे हैं भारतीय किसान संघ का भी एक बड़ा मुद्दा था, तो आज आप लोगों की राहें अलग अलग कैसे केसाई रेड्डी जी? नहीं, हम मोदी का पक्ष में नहीं है, हम किसान हित सोचने वाला है। अब जो किरण बोल रहे हैं ना, मोहिनी मिश्रा जी भारतीय किसान संघ स्वागत, मैं कानून को स्वागत किया है, वो टैक्स रद्द होना, मार्केट होना, मगर हम उसमें 3 परिवर्तन भी सुझाव दिया है। हम क्लियरली ये खरीदने में भी और वो कोर्ट के बारे में भी, ट्रिब्यूनल के बारे में भी, और एक किसान का निर्वाचन, किसान बोले तो कौन है, कारपोरेट कंपनी ऐसा बोल रहे हैं ना, ऐसा ऐसा लोग भी आ सकते हैं, ऐसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बड़ा बड़ा कंपनी, उसको नहीं। इसमें अमेंडमेंट में हम सजेशन देने के बाद बिल में अमेंडमेंट लाया, किसान बोले तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ओनली किसान, ये जीवो में नहीं है, ऑर्डिनेंस में आया, ऑर्डिनेंस में था, बिल में परिवर्तन किया, किसान का निर्वाचन वो परिवर्तन किया है। फिर बोलिए किरण जी, आप बोले ना, मैं भी बोलने दो। हाँ, और भी 11 बार एग्रीकल्चर मिनिस्टर से संजय मीटिंग्स हुआ, ये लोग एमएस के ऊपर अड़ा नहीं रहा हुआ। अगर एमएसपी होती है तो हम कानून वापस लेंगे बोले तो जरूर समझौता होता था, ये लोग बोला है कानून, ये काला कानून है, काला कानून वापस लेना, उसके कारण ये विफल हो गया। सुप्रीम कोर्ट को भी मान्यता दिया, हम एमएसपी गारंटी देना है, एक कानून में 4 परिवर्तन, जो जो गलती है वो गलती सुधार करो बोल के हम दिया। सुधार क्यों नहीं हो रहा है आप इसके, सुधार क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा बोले तो ये यही दिख रहा ना, इसके पीछे राजकीय शक्ति आ गया है, पूरा 12 संगठन, 12 पॉलिटिकल पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टीज, कांग्रेस, ये पूरा लोग इसको, ये देश को, आपको तो मालूम है विदेशों से भी इसको पैसा आ रहा है। अभी देखिए पंजाब में डायरेक्ट खाना खरीद के पैसा देने के बाद किसान खाता में जा रहे, हम वो गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं, हम किसान का। अभी उन तो किरण तो आंध्र प्रदेश का तेलंगाना है ना, इधर अच्छा कौन खरीद रहे, गवर्नमेंट खरीद के, नहीं तो मिडिल मैन अगर राइस मिलर्स खरीदे तो वो करोड़ रुपए नुकसान होता था। अभी भी मुश्किल हो रहा है, मगर 80% 90% तो खरीद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जी सर रेड्डी जी, आपने अपनी बात रखी, मैं एक बार किरण जी से चाहती हूँ इसका जवाब। जी किरण जी, अपनी बात रखे। हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि साई रेड्डी जी कह रहे हैं कि ये कानून में कुछ घोट नहीं है, पहले तो मैं बात रख चुका हूँ कि भारतीय किसान संघ ने जो बदलाव कानून में चाहे थे वो ऑर्डिनेंस में, वो भी नहीं आए कानून में। मक्की की मक्की ऐसे ही है जैसा ऑर्डिनेंस है, एक भी शब्द नहीं बदला जब वो कानून पारित किए, वो एक बात है। दूसरी बात है, हम ये साफ रख चुके हैं कि ये 3 कानून जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है, इसमें ऐसा प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट, प्रोडक्शन एग्रीमेंट का एक मसला है जिससे कॉर्पोरेट खेती हमारे देश में आने की के लिए ये द्वार रास्ता खुल चुका है। तो इससे क्या होगा कि अंबानी, अदानी और वॉलमार्ट और अमेजॉन जैसे कंपनियां पूरी तरह से किसानों को ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए बड़े बड़े यानी कि 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 एकड़ तक भी एक ही कंपनी एक दो गांव में लेके खेती करने के लिए एक रास्ता खुला है। इसके बाद में 3-4 साल हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं, आप देखेंगे कि ज्यादातर जमीन ये कॉर्पोरेट कंपनी के हाथ में चला गया। यहाँ पर किरण जी, मेरी एक बात मैं रखना चाहती हूँ। किरण जी एक सेकंड, किरण जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मैं एक बात रखना चाहती हूँ। अरे आप इतना एक ना एकदम झूठा बोले तो कैसा भाई साहब? नहीं कैसा रेड्डी जी, एक मिनट बोलने दीजिए। कानून में किसान इतना का अग्रीमेंट है, इसमें प्रोडक्शन का जो इच्छा है तो ले दे सकते, नहीं तो नहीं दे सकते, किसान का सहमत का बिना दे सकते क्या? ये कानून में है क्या? वो नहीं है किसान का, अगर वही वही कंपनी वाला नहीं ले सकते। आप ऐसा झूठा बात मत बोलो, कानून में
नहीं है वो कॉर्पोरेट कंपनी का ले सकते क्या? एक सेकंड, एक एक करके बात करेंगे बिना अनुमति के। कानून में एग्रीमेंट का गलती बोल रहा है किरण जी, नया एक नया रास्ता उन्होंने खुला है। आप अगर प्रोडक्शन एग्रीमेंट की बात पूरी तरह से आप अगर देखेंगे तो इसमें साफ, मैं नीति आयोग के मीटिंग्स में, सभी तरह के मीटिंग्स में जो ये कॉर्पोरेट कंपनी वाले भी आते हैं, मैं भी था उस मीटिंग्स में, कुछ ऐसे मीटिंग्स में, ये कॉर्पोरेट कंपनियां सरकार से कह रहे हैं कि अगर आप हमारा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो हमारे कंट्रोल में हजारों एकड़ अगर आएंगे तो हम कॉर्पोरेट खेती करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो तैयार नहीं है। ये बिल में ऑर्डिनेंस में है क्या? काल ऐसा वार्ता बोल रहे आप, काल चर्चा ऐसा आप वार्ता बोल रहे हैं, ये बिल में नहीं है, ऑर्डिनेंस में नहीं है, आप जो बोले रहे क्या है? ऑर्डिनेंस में, बिल में है क्या ये शब्द? किरण जी इसका कोई आधार है क्या? प्रोडक्शन एग्रीमेंट आप बताओ, एक शब्द भी बिल में कंपनी के इतना दे देंगे बोल का है क्या? साई रेड्डी जी उनको बोलने दीजिए, ऐसे कोई भी बात कहीं अंजाम तक नहीं पहुंचे। एक बीघा बिल नहीं ले सकते बहन जी, किसान का अनुमति का बिना एक एकड़ भी उन नहीं ले सकते जी। किसान का भी बोला भी अच्छा होगा ये कानून से, ये अग्रीमेंट में है, लेकिन हम एक बार सुन ले, प्रोडक्शन अग्रीमेंट के तहत जो किरण विसा जी बोल रहे हैं, कई बार ऐसे रास्ते खोले जाते हैं, ये आपको भी पता है, ये सबको पता है, कहीं ना कहीं कोई रास्ता खुला है जिसका विरोध कर रहे हैं, उसको सुन लेने दीजिए जी। किरण जी मैं कह रहा हूँ हम प्राइवेट कंपनी के पक्ष में नहीं है, हम भी साइडी जी आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। अब अगर बात काटते हैं आप ऑर्डिनेंस के बारे में, बिल के बारे में नहीं बोल रहे साहब, एक वार्ता बोल, हम भी ऐसा बोले 15 तारीख को तो एमएसपी के गारंटी के ऊपर अच्छा बड़ा सेमिनार किया है सीआर में, 10 लोग आया, वीएम सिंह भी आए, किसान संयुक्त समन्वय, किसान समन्वय समिति भी बना है, 14 संगठन आपसे बात करने दीजिए, ऐसे तो ये बात कहीं नहीं जाए, कहीं नहीं पहुंच पाए, कैसा बात कर रहे साई रेड्डी जी। आई रिक्वेस्ट यू टू लेट किरण विसा जी स्पीक फर्स्ट, अगर बात करेंगे तो कुछ बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। प्रोडक्शन एग्रीमेंट का अगर आप देखना चाहते हैं, सेक्शन 2.1 में है प्रोडक्शन एग्रीमेंट का जो डेफिनेशन है, और सेक्शन 15.1 में भी है कि ये जो किसानों को अगर वो पेमेंट या उसके तरफ से कुछ नहीं हो पाता है तो वो रेवेन्यू एक्ट के अंदर जो प्रोसीजर है उसके अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ये भी लिखा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें रास्ता खुला है कॉर्पोरेट खेती के लिए। ऑफ कोर्स एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करने में किसान अगर सामने है तभी साइन होगा, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में मुख्य मुद्दा यह है कि एक तरफ है छोटा और सीमांत किसान और दूसरी तरफ है बड़े बड़े कॉर्पोरेट, और दूसरी तरफ जब ज्यादा शक्ति होती है तो वो टर्म सेट करते हैं, और इसमें किसानों के तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये हम साफ तरह से दिखाई दे रहा है जी। वो एक बात है जी। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा है कि ये जो मंडी का फीस है वो खत्म हो जाता है इसलिए इससे किसानों का फायदा होता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मंडी जब किसान क्या मांगते हैं, किसान मांगते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मंडी हो। हमारे अगर वरंगल जिले के किसानों के पास अगर आके पूछते हैं तो वो कहेंगे कि हर एक 20 या 30 किलोमीटर में अगर सरकारी मंडी है तो उनको ज्यादा अच्छी तरह का दाम मिलेगा, क्योंकि उनको 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इसलिए उनको अच्छा दाम नहीं मिलता है। जहां पे मंडी खत्म हो चुकी है जैसे बिहार जैसा राज्य, वहां पे अगर आप देखें तो जी किरण जी आपका पॉइंट आ गया है। 2006 में बिहार में एपीएमसी मंडीज बंद कर दी गई थी, और हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से किसान अपना जो फसल है वो लाके पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाजार में बेचते हैं। के साई रेड्डी जी इनकी जो ये दो प्रमुख बातें हैं इन पर आपसे सफाई चाहूंगी, बहुत ही संक्षिप्त में, समय बहुत कम है।
मंडी हम खत्म करो बोल के नहीं बोल रहे, अगर मंडी खत्म करना है तो और एक हजार मंडी के लिए ई मार्केट के लिए क्यों पैसा देता है बजट में, और एक हजार करोड़ रुपया और ई मार्केट बनाने के लिए? मंडी तो जरूर रहेंगे, उसके लिए किसान हित के लिए हम ये पहला मुद्दा यही बोल रहे हैं। मंडी कैसे रहेगी साईं रेड्डी जी जब ये मंडी टैक्स खत्म हो जाएगा? जो मंडी कैसे अपना जो खर्चा है उसे उठा पाएंगे? तैयार नहीं ना बहन जी, ये लोग हमार वीएम सिंह बहुत से 14 संगठन बानो आग्रह ग्रुप सब लोग हमारे मिलकर आए हैं, ये सब लोग आए तो कानून काला कानून नहीं बोले तो एमएसपी देव बोल के आए तो जरूर वो गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार है, हम लेके जाने के लिए हम इनके साथ आने के लिए तैयार है, मगर ये लोग नहीं ऐसा करते। देखिए कोविड के कारण कितना लोग मर गए, बंगाल का लड़के का क्या हुआ है, आप क्या ये गारंटी ले रहे हैं कि सरकार एमएसपी की गारंटी देगी? के साई रेड्डी जी क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार एमएसपी की गारंटी देगी? ये अराजकत्व फाइल कर रहे, परसों तो पंजाब में रक्तदान शिविर भी नहीं होने दिया, ये क्या है? तीन चार राज्य वाला किरण बोल रहे हैं ना, फिर आंध्र में तेलंगाना में क्यों नहीं हो रहा आंदोलन, ओडिशा में क्यों नहीं हो रहा, साई रेड्डी जी खैर इसकी तो मैं खुद बानगी हूँ, हमारे पास देश भर से खबरें आ रही हैं, चाहे वो उड़ीसा हो, मणिपुर हो, असम हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जगह से भारत में प्रजास्वाम्य तंत्र में ये काला बोलना क्या है, ये ब्रिटिश का ये लोग ये शब्द यूज कर रहे हैं। एक सेकेंड किरण जी आप अपनी बात रखें, काला कानून साई रेड्डी जी आप उनकी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप उसको डिफ्लेक्ट कर रहे हैं मुद्दे को। काला सबकी अपनी अपनी समझ है, किसानों की बातें नहीं मानी जा रही हैं, उनको दिक्कत हो रही है, ये रियलिटी एमएसपी नहीं मिल रही है, किसान कोरोना काल में भूखों हालत खराब हो रही है मैडम, काला एक एक्सप्रेशन है रिप्रेजेंटेशन कैसे का ताकत का, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं माना, गवर्नमेंट कमिटी डाले तो नहीं माना, 11 बार गए तो अभी एक बार भी ये लोग एमएसपी दे दो हम कानून स्थगित करेंगे बोले के बोले क्या, एक बार भी नहीं बोले, 11 बार गए तो भी एमएस के मुद्दे पर अड़े नहीं रहे ये लोग। मैं जवाब देना चाहता जी किरण जी, किरण जी बात संगठन रेडी था, बाकी संगठन नहीं था, एमएसपी का कानून आता था अभी। किरण जी बात रखिए, मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक तो बात है कि किसी कानून को काला कानून बोलना, काला दिवस बनाना, ये सब प्रजातंत्र में लोगों का हक है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके कुछ कानून को काला कानून बोल रहे तो आपको जेल में रख देंगे या आपका ये मोर्चा रखने वाला है, आप नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, नहीं मैं इंटरप्ट नहीं किया, सुनिए, दूसरी बात मैं चैलेंज करता हूँ भारतीय किसान संघ को कि आप सरकार के इतने निकट हैं, आप एक मोर्चा बना के आप ये हासिल कीजिए कि एमएसपी का गारंटी का कानून हो। मैं एक किसान, हमारे किसान संगठन के तरफ से भारतीय किसान संघ को मैं धन्यवाद दूंगा, ठीक है, लेकिन जरूर हम प्रयास कर रहे हैं, किसान संयुक्त मुझे बना है, उसमें बहुत से लोग है, शरदकारी संगठन है, वीएम सिंह है, बहुत से 20 संगठन हमारे साथ आ गए हैं, हम किसान समन्वय समिति बना है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कोविड के कारण रुक गया, हम प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। मत बोलिए प्लीज, आप बीच में मत बोलिए, मैं कह रहा हूँ कि प्रयास कर रहे हैं, अगर आप एक आंदोलन, नहीं आपका जब जवाब आने का मौका होगा तब आप दीजिए, मैं आपका जवाब दे रहा हूँ, अगर आप एक आंदोलन खड़ा करेंगे ये एमएसपी समर्थन मूल्य का कानून का और वो हासिल करेंगे अपने मोदी सरकार से, अपने आरएसएस का मोदी सरकार से, तो मैं आपकी बात मानूंगा, ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं, एक बार सुनिए ना, अभी तक तो मोदी के सरकार का सभी जो वार्ता है ये पब्लिक बात है कि उन्होंने साफ साफ कहा है, पीयूष गोयल ने भी कहा है, ये तोमर जी ने भी कहा है और अमित शाह ने भी कहा है कि ये एमएसपी के गारंटी के कानून के बारे में तो हम बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। कितने कितने मैं प्रेस स्टेटमेंट्स आपको दिखा सकता हूँ जी। किरण जी आपकी बात आ गई है, मुख्य मुद्दा एमएसपी का है, के साई रेड्डी जी क्या आपका संगठन इस चीज को आश्वासन देता है कि आप लोग सरकार की तरफ से इस सबसे बड़ी मांग को गारंटी दिला सकते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, क्योंकि ये सबसे प्रमुख मांग है। बहन
हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से आए, भारतीय किसान संघ के नेता मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए हम प्रयास कर रहे, वो भी प्रारंभ से वही लिख रहे, उसके लिए ही हम राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति बनाया, उसमें वीएम सिंह भी आ गए और चेतकर संगठन भी आए, 22 संगठन हमारा साथ जुड़ गया है, हम प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर लिखा है। इसके अनुसार ही गत 15 अप्रैल को ICR में हम MS के ऊपर एक चर्चा गोष्ठी रखा है, 2-4 घंटे उसमें चला है। एक लाइन में साई रेड्डी जी, मैं आपसे चाहूंगी इसका सोल्यूशन बताएं आने वाले दिनों में, सिर्फ एक लाइन में, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, फिर किरण मिश्रा जी से फाइनल कमेंट। जी साई रेड्डी जी, एक लाइन में क्या सोल्यूशन दिखता है आपको? नहीं नहीं, मुझे तो हमेशा दिखा है कि गारंटी लाएंगे, उसके लिए लड़ाई करेंगे, उनको गवर्नमेंट को जरूर MS के गारंटी देने का हक किसानों को दिलाएंगे। जी थैंक यू किरण मिश्रा जी, फाइनल कमेंट्स। ये 3 काले कानून को रद्द करने की जरूरत है और MSP के गारंटी का कानून भी लाने की जरूरत है। ये दोनों के बीच में विरोध नहीं है, हम दोनों मांग चाहते हैं और दोनों के लिए लड़ रहे हैं। अगर भारतीय किसान संघ सिर्फ एक ही मुद्दे पे लड़ने के लिए तैयार है, वो भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन अभी तक तो वो लड़ाई में नहीं उतरे हैं, अभी तक वो आंदोलन में नहीं उतरे हैं। उन्होंने 2 लाख किसानों के चिट्ठी लिखवाए हैं, फिर भी एक साथ हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार इसके ऊपर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में, और हम समझ सकते हैं कि सबसे जो प्रमुख मुद्दा है MSP का, उस पर भारतीय किसान संघ की तरफ से ये आश्वासन आ रहा है कि शायद वो सरकार से इस तरह से की बातचीत करें कि कहीं ना कहीं किसानों की सबसे प्रमुख मांग मान ली जाए, और जो संयुक्त किसान मोर्चा की जो मांग है कृषि कानून लौटाए जाए और MSP जो है उसकी गारंटी दी जाए। देखते हैं आने वाले दिनों में इस पर किस तरह का फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल काला दिवस पर खास ये चर्चा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और अपने अपने सुझाव आगे रखने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।